Hello, ladies. It's a wild captain part. तो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार आप सबको इस दिन पे। तो आज हम खेल रहे हैं सेव द गर्ल। तो क्या आपने ये गेम कभी पहले खेला है? नहीं, नाम तो सुना ही होगा। तो आज मैं वही गेम खेलने वाली हूँ और उसमें नाम जैसा है काम भी वही है। हमें बचाना है लड़की को। लड़की को बचाओ, लड़की को बचाओ, मुन्नी को बचाओ, शीला को बचाओ, गुड्डी को बचाओ, लड़की को बचाओ। तो बात यह है कि हमारा जो लड़की है इतना टाइट कपड़ा पहनती है कि उसका पिछवाड़ा चिपक गया है, बेचारे सीधा चल भी नहीं पा रही है, तब पैर टेढ़ा करके चलना पड़ता है। तो इसी लड़की को हमें बचाना रहता है। तो अब तो उसको किसने किडनैप किया हुआ था, किडनैपर से बच बचा के अब वो बाहर आ गई है। तो यहाँ पे मैं रेनकोट पकड़ती हूँ और उसको लेके जाती हूँ। ये तो बहुत चिल मामला था, लेकिन अब क्या होता है, हमारा किडनैपर हमारे पीछे ही आ जाते हैं। अब कैसे इससे बचा जाए? तो मैं सोफा लगाती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। अभी तक तो सब चिल माहौल चल रहा है, जो जितना दिमाग लगा सकते हैं वो सारा आपको डायरेक्टली आ रहा है। अब क्या करने का? अब अंधेरे रूम में टॉर्च लगाने का, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी अगर मेरे सामने ये गुस्सा वाला डॉगी है तो उसको ऑब्वियसली मैं खाना खिलाऊंगी, ना कि पैपे पैपे बजा के उसकी बैंड बजवाऊंगी और अपनी उसके बाद। तो यहाँ पे एक छोटा सा इसका घर भी है, जहाँ पे उसका घर और उसको कस्टमाइज हम कर सकते हैं, उसके लिए कपड़े खरीद सकते हैं, सारे कपड़े सब कुछ वाहिया दें और उसको, लेकिन हमें जो भी दिया है उससे काम चलाना है। तो अभी लड़की शिप में है और शिप में अचानक से आग लग जाती है, तो लड़की भागना शुरू करती है। अब भाग के वो कहाँ जाएगी? अंदर बहुत ज़्यादा स्मोक है, तो क्या करेगी वो? एक नाक में रुमाल लगाएगी और आगे बढ़ जाएगी। मास्क होता तो वो लगाती। तो अब वो गई, अंधेरा रूम हो गया, तो क्या करेगी? वो टॉर्च लगाएगी, क्योंकि वो माचिस जलाई तो ऑलरेडी आग लग गई है और आग लग सकती है। तो अभी तक तो हमारा चिल माहौल चल रहा है, कोई गलती नहीं है। अब बात है कि ऊपर कैसे जाने का। तो सीढ़ी से जाएंगे, सिंपल है, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो हम सबको पता है, इतना तो दिमाग हम लगा सकते हैं। पर मैं बता रही हूँ, इस गेम में धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेगा, आप जो एक्चुअली दिमाग लगा सकते वो आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आप जो भी करोगे उसका कुछ अलग ही आंसर होगा। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा टेंट की जरूरत थी, तो लड़की अगर टेंट वेंट के साथ चल के ही आ रही है तो लकड़ी के पट्टे के साथ क्यों जा रही थी? वो शिप के साथ ही चली आती, कोई नहीं। पर अब उसे मछली खाने की भूख लगी, उसका पेट में गुड़ुम हो रहा, तब क्या करेंगे? मछली करेंगे, लेकिन यही पे होता है हमारा सबसे बड़ा चुनौती का काम, कि गॉडजिला ही बाहर आ जाता है वो करने पर। तो फाइनली वो टेंटाकल्स लेती है, जो कि एक्चुअली मरमेड किंग का रहता है, उसको लेके वो फाइनली एक छोटा सा फिश करती है। उससे पहले जो नॉर्मल फिशिंग रॉड से वो गॉडजिला को ही बाहर निकाल देती है। गॉडजिला है या क्या है वो? अब आपने देखा कैसे शार्क को बचाने के लिए मांस के टुकड़े की जगह पर जैसे ही उसने उसको मारने की कोशिश की, वो शार्क ही उसे लेके चला गया। शार्क उस पर हावी पड़ गया। तो अब बात यह कि लड़की ऐसे बच बचा के फाइनली आइलैंड में आ गई। तो आइलैंड में अभी क्या करने का? उसको बहुत जोर से प्यास लगी है नारियल खाने की, तो वो क्या करती है, ये टेंटा भी फेंकती है। लेकिन क्या होता है, वो जाके एक वहां के आदिवासी पे लग जाते हैं और आदिवासी एकदम क्रोधित। फिर फाइनली वो डंडा मार के एक कोकोनट खा पी पाती है पानी, लेकिन जैसे वो जाती है उसने ऑलरेडी उसको गुस्सा दिला दिया था। तो वो चलाता है कि क्या भाई, और कुछ तो कहता है जो कि मुझे समझ नहीं आता। आ टुक टुक कह रहा होगा शायद, वो कह रहा होगा अभी मैं बंदी बना के लेके जाऊंगा तुझे और जलाऊंगा बहुत बड़ी कढ़ाई के अंदर। तो फाइनली मैं उसको एक लॉलीपॉप से चुप करा देती हूँ, वो लॉलीपॉप खाने की इच्छा में था। बोलो अब वहाँ पे क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर आ गया, उनको कैसे मैं बचाऊं? तो मैंने उनको ऊपर से ऑब्वियसली एक रेड लाइट सिग्नल देते हैं, तो रॉकेट भेजेंगे, लेकिन नहीं, रॉकेट उड़ के मेरे ही सर पे, ओ नहीं मेरे सर पे नहीं, हेलीकॉप्टर में घिस जाता है और हेलीकॉप्टर ही जल जाता है। तो कैसे करने का, आग जलाने का तो स्मोक आया और वो आराम से हेलीकॉप्टर में बैठ के गए। इतना सब कर ही सकती है, तो उससे जा घर ही चली जा, कोई दिक्कत नहीं। अब लड़की अचानक से ज़ॉम्बी फॉरेस्ट में चली जाती है और फिर क्या होता है, फिर अचानक से समथिंग स्ट्रेंज बोल के बहुत सारी आंखें उसको दिखने लगती है। सोचते क्या करूँ, अंधेरे में यहाँ से निकलने की कोशिश करूँ, पर नहीं, कोई हमारी बत्ती बुझा जाता और फट के हाथ में आ जाते लड़की के। तो फाइनली वो रेडियो चलाती है, जिससे कुछ दिक्कत नहीं होता है, वो शायद बैट्स थे जो कि उड़ जाते हैं। अब अचानक से ऑब्वियसली ज़ॉम्बी से हमारा सामना होता है, तो मैं क्या करती हूँ ज़ॉम्बी से बचने के लिए, मैं हाफ मून को फुल मून कर देती हूँ और अचानक से वुल्फ बन जाती हूँ। मतलब ये केस पॉसिबल है, ये लड़की तो मतलब जादूगर नहीं है, कुछ भी करने लगती है। और ये देखो अचानक से उसके पास ज़ॉम्बी मास्क भी आया और इतना नाटक करके वो चल पा रही है। जो भी है वहाँ पे साइड में
क्या बोलते हो, सोन परी का वो झंडा भी था क्या? सोन परी से क्या करेगी वो, जो भी है। अब मैंने इन दोनों को करंट लगवा के आगे बढ़ गई मैं कि बहुत हो गया, इन ज़ॉम्बियों का बहुत नाटक हो रहा है, इनको जलाऊंगी, इनके उनको वेयरवुल्फ बन के डराऊंगी मैं। जो भी ये ज़ॉम्बी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे, तो क्या करूँ मैं, ज़ॉम्बी को चलो तेल डाल के गिरा देते, क्योंकि क्या पता तेल ही काम कर जाए, पिन से क्या पता वो और गुस्सा हो जाए। इसका तो कोई मतलब आपको कुछ ऐसा पता नहीं चलेगा कि क्या मैं एग्जैक्टली यूज़ करूँ। आपको लग रहा होगा ये तो ज़्यादा फिजिबल आंसर है, लेकिन आप जनरली जैसे यहाँ पे आप क्या लोगे, तो यहाँ पे आप कैप्टन अमेरिका का हेलमेट लोगे या उसका शील्ड लोगे? देखो शील्ड फायदा हो गया अपना, तो अच्छी बात है। अब देखो, अब यहाँ पे इतना बड़ा सा ग्रीन कुछ तो पड़ा हुआ, डिस्गस्टिंग। अब क्या करूँ मैं, तो मैं धूप भी ले आती, तो धूप से सारा सूख गया और खुशहाली, ये तो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो सही है। अब क्या है, अब क्या है भाई? ओहो, अपने यहाँ पे एक कपड़ा वाला गोश्त चला है, इसको क्या करने का, केज में भर्ती करूँ या उसमें? ऑब्वियसली मैं वैक्यूम करूँगी और भूत अंदर, अगर सारे भूत ऐसे वैक्यूम से चले जाते ना तो हॉरर मूवी बनना ही बंद हो जाता। जो भी है, तो अभी मैं गाड़ी चला रही होती हूँ, लड़की सो टैलेंटेड मतलब, तो अभी मैं गाड़ी चला रही, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो अब मैं कुछ तो बटन घुमाती हूँ और पेड़ को काट के उसके ऊपर से चढ़ते लगते, और पेड़ अचानक से गायब हो जाते हैं, वैनिश्ड। अब क्या, अब इतने सारे ज़ॉम्बी चले आए हैं, अब क्या करने का? तो मैं क्या करती हूँ, मैं लाल बटन दबाते हैं। ओह गॉड, लाल बटन मुश्किल का ही है। आपको याद है धमाल में कैसे लाल बटन दबा दिया उन्होंने, जो कि नहीं दबाना था, वही चीज़ यहाँ पे भी नहीं दबाना था, लेकिन अचानक से बड़े ऐसे ज़ॉम्बी हमारे पास आ जाते हैं। तो मैं रिवर्स में गाड़ी घुमाती हूँ, तो पता चलता है कि वहाँ ज़ॉम्बियों की पूरी टोली खड़ी है। तो अब फाइनली मैं ट्रांसफॉर्मर बन जाती हूँ और एक बड़ा सा रोबोट बन के अपने ज़ॉम्बी को दो चुटकी में उड़ा देती हूँ। मतलब लड़की अब लोकल ट्रेन में लड़की ट्रैवल कर रही है, जहाँ पे थीफ ऐसा लग रहा है कि ठरकी है और मेरा पीठ खुजा रहा है शायद वो। तो अब थीफ चला गया, बोला वो जबरदस्ती कह रहा, देख मेरा तेरा पीठ मैं खुजाना चाहता हूँ, मेरे को खुजाने की बहुत अच्छा लगता है खुजाना मुझे। तो अब वो क्या अपना पर्स फेंक के आगे बढ़ती है, लेकिन ये थीफ तो जाना ही नहीं चाह रहा, तो मैं केले का छिलका फेंक देती हूँ। केला खाए बिना केला किधर गया, केला गया तो गया किधर? अब ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो मैं क्या करती हूँ, उसको अचानक से खुद ही अपने से ही वहाँ पे एक लीवर तैयार करती हूँ, उसको घुमाती हूँ और वो बंदा अपने आप गिर जाता है। जो भी है, तो अब हम फाइनली उधर से निकल आए स्टेशन से, हमने उसको पीछे छोड़ दिया। पर ये गुस्से वाला डॉग फिर से आ गया, तो हमने खंभा रख दिया, तो उसने मूत दिया, जो कि मूत नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसने ऑयल मूत दिया भाई। अब मैं फाइनली जाके एक पेंट हुए नए नए पेंट वाले में बैठ जाती हूँ। अब क्या करने का इसको, तो उठा के नहीं कपड़ा चेंज करूंगी। ओहो, अरे थीफ तो फिर से चलाया, रुक के तेरी बैंड बजाती हूँ, ऐसे सर सर पे हथौड़े से मारूंगी ना कि थीफ गया, दोबारा अपना मुंह नहीं दिखाया। देखा थीफ को कैसे भगा दिया। अब मैं फाइनली मॉल में नाश्ते में जाती हूँ, तो पता चलता वही कुत्ता शॉप लिफ्टिंग कर रहा है, तो मैं अचानक से शोर मचा देती हूँ और उसको अपना पिछवाड़ा लेके दौड़ने लगता है, और मैं भी उसके पीछे जा रही हूँ। अब क्या, अब कर्मा हो गया, अब रिवर्स केस चल रहा है। तो अभी मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, कभी आप हमारे पीछे, कब हम आपके पीछे, ये तो रिवर्स ही हो गया। तो अभी क्या, ये बंदे को पकड़वाने की जरूरत है, तो गोली दिखाऊंगी तो मेरे को ही जेल पड़ जाएगी, तो इसीलिए मैं उसके ऊपर वो जो मॉल्स में लगे रहते हैं कि अगर आपने चोरी करके माल गए हो तो वो पकड़ जाएगा, वो वाला चीज लगा देती हूँ मैं, और वो पकड़ा जाता है, और मैं आराम से उसके बाद स्कूटर में जा रही हूँ। लेकिन ये तो साला मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो अब मैं कैसे इससे बचूँ? तो ऑब्वियसली मैं अपना ब्रा फेंकती हूँ, और फिर वो पागल हो जाता है, और फिर वो गाड़ी ही लेके चलाता है कि अब तो कुचल ही दूंगा। अब क्या करने का, मैं उड़ जाती हूँ वो भी सर वाले टोपी वाला पैन लेके, तो अब ये टैंक ही लेके आ गया, चोर है या क्या है भाई? तो मैं क्या करती हूँ, मैं इरेज कर देती हूँ। इतना बड़ा मजाक कभी हुआ होगा कि लोग गाड़ी चला के आ रहे हैं, आपने इरेज कर दिया गाड़ी गायब है। ये तो वही हो गया जैसे शकलका बूम बूम सी चीजें, उसने जरूर शकलका बूम वाली पेंसिल यूज की होगी, इसलिए रबर से ही मिट जा रहा है।
तो जो भी है अभी ये हेलमेट लगा के जाती है। हमने बोला था अर्थक्वेक के बीच जब होता है तो आप टेबल के नीचे बैठ जाइए, लेकिन टेबल के नीचे बैठने से कुछ फायदा नहीं है, आपको हेलमेट लगाने की जरूरत है। अब यहाँ पूरे फ्लोर में इलेक्ट्रिसिटी गया हुआ है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी से बचने वाले बूट्स पहन के आगे बढ़ जाती हूँ। तो अब नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं, तो अभी फ्लावर वास टूटा हुआ है, तो अब क्या करने का, ऑब्वियसली हम रिवर्स करेंगे टाइम को और वापस से वास, मतलब समझ रहे हो, एक वास टूट गया वाला जो कभी खुशी कभी गम में था। वही वाला चीज यहाँ पे होता है, तो वो लोग वास बहुत इनके दिल के बहुत करीब है इसीलिए। तो जो भी हम पाइप को अभी ब्लॉक करके अब अंदर जाते हैं तो हमारे ये हो गया। लेकिन अभी लिफ्ट के बाहर पहले से क्यों चिल्ला रही है, क्या हो गया भाई? ओ नो, फिर से वो खूंखार कुत्ता चला आया, तो मैं क्या करूँगी उसको, मैं उसके सामने खाने लगूंगी। हे भगवान, कौन ही करता, मुझे लगा कि मीट का टुकड़ा उसको देगी, लेकिन वो खुद ही खाने लगे। तो वो मास्क पहनी तो कुत्ता भाग गया उसी लिफ्ट के अंदर। तभी अचानक से दो आंखें मेरी तरफ, क्या करूं मैं, बम से उड़ा दूं तो खुद भी उड़ूंगी, तो क्या करती हूं मैं डार्ट फेंकती हूं और वो बलून निकल के आते हैं, तो बच गए जैसे अंधेरे में जब दो। और ये देखो अब लिफ्ट कैसे तोड़ूं, बंद हो गया है, तो मैं पोपाई बन जाती हूं, दो बार ऐसे उठ लिफ्ट करके। बस ऐसे ही अगर बॉडी बनता ना तो लोग जिम वाले और जिम ट्रेनर को इतना पैसा नहीं देते, लोग दो बार उठ चलाते और सब अभी बॉडी बिल्डर होते। अब क्या कर देगा, तो मैं इसको रोकने के लिए क्या करती हूँ, एक डस्टबिन उठा के रख देती हूँ। मतलब इतना टैलेंट लड़की में, मतलब अमीर ज़रूर, ये अमीर घराने से आई होगी लड़की। अब देखो यहाँ पे रास्ते के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, दबा ही देती हूँ और पिच का पापड़ बना देती हूँ कार का। अब क्या करने का, इसको कैसे, इसको बचाने का, यहाँ तो सीमेंट है नहीं, तो सीमेंट ही भर देती। तो सोचते बलून से उड़ने की कोशिश करते, पर बलून लगा दे देता है मुझे। तो इसलिए मैं अभी चूहे को लेके आती हूँ, तो इतना बड़ा चूहा है, उसको देख के ऑब्वियसली डरेगा, कोई भी डरेगा, इतना बड़ा चूहा, इंसान जैसा चूहा। जो भी हमारा स्टोरी 5 AM पे कंप्लीट होता है और आज का वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो टिल वी मीट अगेन, चल बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।